को सबसे पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ थायराइड ग्लैंड में, और उसके बाद में उसका प्रोग्रेशन हुआ, तब तक डॉक्टर को मालूम नहीं पड़ा था कि ये कैंसर है। एक मंथ के बाद हमें मालूम पड़ा कि इसमें कैंसरस टिश्यू है, तो उसके बाद में उसका ऑपरेट किया हमने। तो उसके बाद में लगा कि सब ठीक हो गया, ऑपरेशन हो गया, लंग में एक पार्ट था फैला हुआ और थायराइड निकाल दी, लंग का वो पार्ट भी निकाल के ऑपरेशन हो गया, तो लगा कि सब कुछ ओके है। डॉक्टर ने कहा कि ये सबसे अच्छा कैंसर था, इसमें कोई टेंशन नहीं आएगा आपको फ्यूचर में। उसके बाद में अप्रैल महीने में आप एग्जैक्ट 50 डेज यानी कि 10th मार्च को ऑपरेशन हुआ था, 50 डेज में 48 प्लेस पे कैंसर फैल चुका था। तभी भी डॉक्टर को नहीं मालूम था कि ये इतने जगह फैला हुआ है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप अब 2 महीने के बाद आइए मिलने के लिए, और तब कुछ गले में खून जैसा आया, तो हमने लगा कि कुछ कैंसर ना हो, क्योंकि लंग की सर्जरी हुई है तो लंग में से कोई ब्लड ब्लीडिंग ना हुआ हो। मगर उस टाइम पे जो मालूम पड़ा वो बहुत शॉकिंग था कि 48 प्लेस पे बॉडी में कैंसर फैल चुका था, उसमें से सबसे ज्यादा लंग अफेक्टेड था, 40 छोटे छोटे डॉट्स थे उसके अंदर, नेक के अंदर 3 जगह पे था, तीनों साइड में और सेंटर में जहां पे ऑपरेशन हुआ था उस जगह पे 70 mm यानी कि 7 सेंटीमीटर का बड़ा ट्यूमर था, कि जिसके कारण से सांस लेने में भी दिक्कत आना शुरू हो गई थी, और तुरंत ही हमें उसमें ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ी, राइट। यानी कि उसके बाद जब डॉक्टर को पूछा तो उसने कहा कि आपको अच्छी जगह पे इसका जो ब्लॉक्स आता है ना, जिसका ऑपरेशन हुआ था, उसको भेजना चाहिए, तो हमने भेजा, सबसे अच्छी जगह है टाटा मेमोरियल, वहां पे भेजा, तो मालूम पड़ा कि ये सबसे वर्सेस्ट कैंसर था, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, राइट। और उस कैंसर में मोस्टली डॉक्टर ने, 4 डॉक्टर के हमने ओपिनियन लिए थे, HCG में गए थे, अपोलो में गए थे, और वेदांता, HOS वेदांता में, और एक प्राइवेट डॉक्टर है जिसका अच्छा नाम है, वो चारों के पास गए थे। चारों ने जो रिव्यू दिए, सारी ही होप हमें छोड़नी पड़े ऐसे रिव्यू थे वो। उन लोगों ने कहा कि 4 महीने से ज्यादा लाइफ है ही नहीं, और हम कहते हैं कि आप सेवा करो पेशेंट की। और वहां से हम लोगों ने कहा कि कुछ भी हो जाए, मींस कहीं पे भी जाना पड़े वर्ल्ड में, मगर ये थेरापी करवाते रहेंगे, और कैसे, क्योंकि उसकी एज 37 ईयर है, तो हमें था कि नहीं कैसे भी करके बचा लिया जाए। तो उसके कारण से हम लोगों ने दूसरा सोचना शुरू किया, मगर अभी ये था पूरा सेड पार्ट। अभी मैं आपको इसका हैप्पी पार्ट दिखाता हूँ कि जब भगवान ने इतनी बड़ी समस्या दी थी तो कितना अच्छा भी उसने साथ साथ में सोचा था। फेब्रुवरी लास्ट मंथ, लास्ट ईयर के फेब्रुवरी की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे सबसे पहले इस मशीन का डेमो देखा हुआ था, और अप्रैल 15 को यानी कि 29 अप्रैल को जब कैंसर डिटेक्ट हुआ, उससे 15 दिन पहले ये मशीन आ चुकी थी घर पे, राइट। और उसके बाद में मई महीने का शुरुआत हुई, सभी टाइप के हमने जितने भी मालूम पड़ा कि यहाँ पे भी कैंसर से अच्छा होता है, वो चीज से अच्छा होता है, सारी चीजें अप्लाई करना चालू कर दिया, क्योंकि सबसे खराब कैंसर था। मगर जब शुरू हुआ तो देखा कि कैंसर घट रहा है, डॉक्टर भी सरप्राइज कर रहे थे किस तरह से, क्योंकि केमोथेरापी भी हमने शुरू कर दिया था, बाकी के सारे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए थे, और कैंसर कम हो रहा था। पहले मंथ में 2 से 3 जगह पे कम हुआ, और 150 डेज में जो सबसे बड़ी ट्यूमर थी वहां से कैंसर आधा हो चुका था, और 85 डेज में वो ट्यूमर कंप्लीटली 0 हो गई थी। और पे कैंसर था वो लास्ट दिसंबर तक हमने सोनोग्राफी के रिपोर्ट करवाए, PET CT करवाए, जो भी जितने रिपोर्ट थे वो करवाते गए, और सब में ऐसा आया कि वो कैंसर अभी 0 हो गया, 48 out of 48 में। यानी कि डॉक्टर का कहना था कि आदमी चला जाएगा, मगर कैंसर ही नहीं रहा। और उसके लिए मैं कंप्लीट इसका जो श्रेय है वो इसको गंगन को देता हूँ, गंगन पानी को देता हूँ, एनर्जी के इस मशीन को देता हूँ। उसका एक रीजन है 1 मिनट, क्योंकि एग्जैक्टली जुलाई मंथ में ही हमारे दूसरे एक रिलेटिव को सेम एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा हुआ था, और नवंबर में उसकी डेथ हो गई थी। यानी कि डॉक्टर गलत नहीं थे, उसने भी सारी ही थेरापी की थी, क्योंकि आपको मालूम है कैंसर में पेशेंट को बचाने के लिए कितनी थेरापी की जाती है, राइट। तो उसने भी वो सब कुछ किया था जो हमने किया था, मगर उसको नहीं रिजल्ट मिला था, जबकि सबसे ज्यादा डोज में क्या मिलता है, पानी ही मिलता है, दिन में हम 2 लीटर से ज्यादा तो पानी पीते हैं, तो उससे ही इफेक्ट सबसे अच्छी आई है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू वेरी मच।